हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इडली सांभर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने दाल को 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था। मैं उसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च। यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़े से पानी और ऐड कर दिए। मैंने सांभर के लिए वेजीज जो रखी हैं उसमें मैंने कुकुम्बर, कैरेट, ग्रीन चिली और थोड़े से अदरक रखे हैं। आपको जो भी वेजीज पसंद हो आप वो वेजीज रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी वेजीज है मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर थोड़े से परवल भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे सांभर में परवल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो दाल चढ़ाए थे उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सांभर मसाला डाल दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मेरे वेजीज फ्राई हो चुके हैं, जिसको मैं अपने दाल में डाल रही हूँ, और इसे 3-4 सीटी आने तक मैं इसे पकने दूंगी सांभर को। मैं यहाँ पर तब तक के लिए सूजी की इडली की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने सूजी ले लिया। मैंने उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, जिसमें इसमें गांठ ना पड़े। आपको ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यू अच्छे से चलाना है। मुझे यहाँ पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी और ऐड कर लिया है। आपको पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने नारियल, धनिया पत्ता और हरी मिर्च रखा है। मैं यहाँ पर 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी चटनी गाढ़ी बने और इसका टेस्ट भी अच्छा है। यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है। चटनी के कलर इससे बहुत अच्छे आते हैं। आप देख सकते हैं कलर कितने अच्छे आए हैं। यहाँ पे मैं चटनी की तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने राई, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ता और सूखी लाल मिर्च लिया है। मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी में मैंने तेल में जीरा डाल दिया, राई डाल दिया, सूखी लाल मिर्च डाल दी। अब मैं पीसी भी लाल मिर्च डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता डाल दिया। इसे अच्छे से पकाने के बाद हम इसका तड़का दे देंगे, जिससे हमारी चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये देखने में भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ता को चॉप करके अपने चटनी में डाल दिए हैं, जिससे इसका रंग और खाने में टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सांभर की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़े से तेल ले लिए, जीरा, लाल मिर्च और फिर यहाँ पे मैं थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता से सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। यहाँ पे मैं टमाटर चॉप कर लिया है और मैं टमाटर को फ्राई कर रही हूँ। टमाटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि उससे तेल ना छोड़ दे। यहाँ हमारे 3-4 सीटी आने के बाद हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं टमाटर रंग छोड़ रहा है। इसमें मैं अपना सांभर मसाला ऐड करूँगी, 2 से 3 चम्मच। 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसे पकने देंगे। हमारा जो मिश्रण है ये पक चुका है। अब इसमें मैं सांभर ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अभी मैं इसे सांभर को 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी, जिससे ये अच्छी तरीके से पक जाए और सांभर का टेस्ट अच्छा है। यहाँ पर मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो मैंने घोल घोले थे। आधे घंटे के बाद मैं इसमें एक छोटे से कटोरी में निकाल लिया और इसमें बेकिंग पाउडर और थोड़े से नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखें आप एक ही साथ बेकिंग पाउडर और नमक ना डालें, इससे हमारा इडली बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे इडली स्टैंड लिया। इडली स्टैंड में मैंने थोड़े से तेल लगा दी, जिससे हमारा इडली ना चिपके। मैं यहाँ पर इडली डाल रही हूँ स्टैंड में। यहाँ पे मैंने तेल में राई थोड़ी सी गर्म की है, इसमें ऊपर डालने के लिए। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं इडली को स्टीम होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा कटोरा टाइप का रखा है और उसमें पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करने के बाद मैं अपने इडली स्टैंड को इसमें रख दूंगी स्टीम होने के लिए और इसे प्लेट से ढक दूंगी। यहाँ पे मैं सांभर में थोड़ी सी इमली डाल रही हूँ, जिससे हमारा सांभर खट्टा हो और वो उसका टेस्ट बढ़ जाए। यहाँ पर मैं देख सकते हैं मेरा इडली तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी चाकू की मदद से कि ये चिपक तो नहीं रहा है, मतलब कि कच्चा तो नहीं है हमारा इडली। हमारा इडली चिपक नहीं रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है। ऐसी
रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।